हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब आई क्यू। पंजाब आई क्यू दी इस स्पेशल वीडियो दे विच अज आपां डिस्कस करांगे P++B विलेज डिवेलपमेंट ऑर्गेनाइजर दे लई जो आपने फ्री मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की सी उसका सैट नंबर 2। इस सैट नंबर 2 दे विच आपां टोटल 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करांगे डिटेल दे विच विद एक्सट्रा इनफॉर्मेशन। यह जो 20 क्वेश्चन आपां कवर करांगे यह होणगे जीके तो, उस तो बाद इस दे विच आपां ने दो तीन क्वेश्चन पंजाब जीके तो भी इनकलूड किए ने, उस तो बाद कंप्यूटर के भी दो तीन क्वेश्चन है, उस तो बाद मैथ के भी क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के भी होंगे, तो लास्ट के तीन क्वेश्चन होंगे पंजाबी व्याकरण तो। ठीक है, टोटल हो गए 20 क्वेश्चन जो आपां इस वीडियो दे विच कवर करांगे फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ के सैट नंबर 2 दे विच। इस तो पहला सैट नंबर 1 आपां ने कवर किया सी इस सीरीज़ का, जिसनों तुहाने बहुत ज़्यादा प्यार दिता और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने उस वीडियो नूं शेयर भी किया। ठीक है, उस तरह इस वीडियो नूं भी तुहाने ज़्यादा तो ज़्यादा स्टूडेंट्स के नाल शेयर करना है। ठीक है, अज दे इस मॉक टेस्ट का जो लैवल रहेगा थोड़ा जिहा डिफिकल्ट रहेगा। ठीक है, अगर तुहाडे 20 क्वेश्चन दे विचों 15 क्वेश्चन या फिर 15 तो ज़्यादा सही हो रहे हैं तो तुम अपनी तैयारी है जी वधिया मान सकते हो, क्योंकि 15 का टारगेट है इस मॉक टेस्ट नंबर 2 का। ठीक है, अगर 15 सही हो रहे हैं तो तुम अपनी तैयारी में डेफिनेटली मान सकते हो वधिया लैवल की है। ठीक है, यह फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ का सैट नंबर 2 मैं तुहाडे तक लेके आ रहा। मेरा नाम है मोहित गर्ग। सो आपां इस वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सब तो पहला क्वेश्चन आपां नूं पूछा गया है, पूर सिंह द बारा सिंगा इज़ द ऑफिशियल मैसकॉट ऑफ विच टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का केड़ा टाइगर रिजर्व है जिसका ऑफिशियल मैसकॉट है पूर सिंह द बारा सिंगा। पूर सिंह द बारा सिंगा जो है यह ऑफिशियल मैसकॉट है किस टाइगर रिजर्व का ऑफिशियल मैसकॉट है। यह चार ऑप्शन आपां नूं दिए गए हैं, तुसीं देख सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बन जाएगा अपना वह बन जाएगा कान्हा टाइगर रिजर्व या फिर कान्हा नैशनल पार्क। इस क्वेश्चन का सही उत्तर बन जाएगा अपना बी ऑप्शन। इस तो अलावा अपने भी याद रखना है जो कान्हा नैशनल पार्क है कितने लोकेटड है, यह लोकेटड है मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश के लोकेटड है जो कान्हा नैशनल पार्क है। ठीक है, यह आपने याद रखना है। काफ़ी होर भी नैशनल पार्क ने जो कि मध्य प्रदेश के लोकेटड ने, जिमें एक हो गया पन्ना नैशनल पार्क। काफ़ी आपां नूं पुछदे ने जो पन्ना नैशनल पार्क है यह इंडिया की किहड़ी स्टेट के, तो आपने याद रखना है मध्य प्रदेश के। ठीक है, उस तो बाद है बांधवगढ़ नैशनल पार्क। बांधवगढ़ नैशनल पार्क यह भी मध्य प्रदेश के है। उस तो बाद एक नैशनल पार्क है जिसका नाम है माधव। माधव नैशनल पार्क भी लोकेटड है मध्य प्रदेश के। उस तो बाद संजय नैशनल पार्क है। ठीक है, संजय नैशनल पार्क। तो लास्ट दे है सतपुरा। सतपुरा, ठीक है, एक हो गया कान्हा। यह सब तो इंपोर्टेंट 6 सब तो इंपोर्टेंट नैशनल पार्क ने मध्य प्रदेश के। ठीक है, कान्हा, पन्ना, बांधवगढ़, माधव, संजय ते सतपुरा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर बन जाएगा अपना कान्हा टाइगर रिजर्व या फिर नैशनल पार्क। नैक्सट देखो सैकेंड नंबर क्वेश्चन, द लोअरिंग ऑफ बैंक रेट बाय RBI ऑफ इंडिया लीड्स टू, यानी अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो बैंक रेट है इसनों घटा दिता जाए तो उस केस दे विच की होएगा। ठीक है, यह चार ऑप्शन आपां नूं दिए गए हैं। ठीक है, ये तो तुसीं देख सकते हो A, B, C ते D। इस क्वेश्चन का जिहड़ा सही उत्तर बन जाएगा अपना वह बन जाएगा ए ऑप्शन। जो बैंक रेट नूं जिहड़ा है RBI दे द्वारा डिक्रीज़ कर दिता गया, घटा दिता गया, तो उस केस दे विच जो लिक्विडिटी है यानी पैसा जो है मार्केट दे विच ज़्यादा हो जाएगा, जिस करके डिमांड बढ़ जाएगी और जो प्राइसिज़ ने वह भी इनक्रीज हो जाएंगे हर एक वस्तु के, हर एक चीज़ के। ठीक है, इस करके इस क्वेश्चन आंसर कि बन जाएगा अपना वह बन जाएगा ए ऑप्शन, यानी जो बैंक रेट है जोड़ा घटा दिता जाता है RBI के द्वारा, उस केस दे विच जो लिक्विडिटी है जो पैसा है मार्केट के ज़्यादा आ जाता है, ये आपने याद रखना है। जो बैंक रेट डिक्रीज़ कर दिता जाता तो उस केस दे विच जो बैंक रेट बैंक है यह घट रेट के उपर जो लोन है वह प्रोवाइड कर लग जाता है कस्टमर्स नूं। इस करके मार्केट के जोड़ा है पैसा ज़्यादा होने करके डिमांड जी बढ़ जाती है, यानी कि कह सकते हैं आप जो मार्केट है जी जो मार्केट सही ढंग नाल जिहड़ा है कम नहीं कर रही, यानी जो मार्केट दे विच आपां कह सकते हैं कम वधिया नहीं चल रहा, तो उस केस दे विच जो बैंक रेट है वह डिक्रीज़ कर दिता जाता है RBI दे द्वारा, ताकि जो मार्केट सिचुएशन है इसनों बूस्ट किया जा सके, ताकि अपनी जिहड़ी GDP है उसके उपर कोई भी इंपैक्ट ना पवे। ठीक है, इस करके आंसर किहड़ा बन जाएगा अपना मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट ए ऑप्शन। इस तों इलावा इत्थे गल आई RBI दी। ठीक है, आपां नूं पुछा जाऊगा जो RBI दे गवर्नर ने प्रेजेंट टाइम ते उन्हां दा नाम दसो, तो आपां ने याद रखना है जो प्रेजेंट टाइम ते जो RBI दे गवर्नर ने उन्हां दा नाम है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास,
ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाऊगा अपन, अपने याद रखना है। उस तो बाद अपन को क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि आरबीआई दे विच टोटल डेप्यूटी गवर्नर किन्ने होंगे ने, जो आरबीआई एस दे विच टोटल जो डेप्यूटी गवर्नर ने तीन होंगे ने, प्रेजेंट टाइम पे ये तिना के नाम दसो। अपन पूछा जा सकता है जो डेप्यूटी गवर्नर्स ने आरबीआई दे दिए गए चार ऑप्शन के विचों कौन नहीं है प्रेजेंट टाइम पे, इस तरह का क्वेश्चन भी अपन पूछा जा सकता है। तो अपने याद रखना है जो तीन डेप्यूटी गवर्नर्स ने वो केड़े केड़े ने, सब तो पहला ने टी रबी शंकर, टी रबी शंकर, ठीक है। उस तो बाद सेकंड जो पर्सन ने उन्होंने नाम है एम राजेश्वर राव, एम राजेश्वर राव, ठीक है। उस तो बाद तीजे जो पर्सन ने उन्होंने नाम है एम डी पात्रा, एम डी पात्रा। ये टोटल तीन ने जोड़े ये आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर ने, ये भी आपको पता होने चाहिए ने। इसका आंसर बन जाएगा अपना ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन अमंग राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह एंड राजेंद्र लाहिरी, यानी इन्हों के पूछा गया अपन, ये तीनों जो व्यक्ति ने, तीनों जो परसनस ने, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह ते राजेंद्र लाहिरी, ये अपन पूछा गया है किस केस के नाल एसोसिएट ने, इन्हों के कॉमन की है, ये अपन पूछा गया है इस क्वेश्चन के विच, ठीक है। ये चार ऑप्शन अपन दिए गए ने, ए बी सी और डी। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा अपना वो बन जाएगा डी ऑप्शन। ये तीनों जो परसनस ने, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह ते राजेंद्र लाहेरी, ये तीनों एसोसिएट ने ककोरी कंस्पायरेसी केस के नाल। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा अपना वो बन जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। इस बेसिकली जो ककोरी नाम का प्लेस है यूपी के, इतने एक ट्रेन लुटी गई सी, ठीक है, इंडियंस के द्वारा लुटी गई सी जो ये ट्रेन सी, आपने याद रखना है। यह जो घटना हुई सी, यह जो कंस्पायरेसी केस होया सी, कदों होया सी, 1925 दे विच, 1925 दे विच यह घटना हुई सी। यह जो कंस्पायरेसी केस है ककोरी नाम दे प्लेस दे उपर हुई सी, जो कि उत्तर प्रदेश दे विच है प्रेजेंट टाइम ते यूपी दे विच है, ठीक है, 1925 दे विच हुई सी, ये भी आपां नूं पता होना चाहिए, ठीक है। आपां नूं एवें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दिए गए चार ऑप्शन के विचों, ककोरी जो कंस्पायरेसी केस होया सी उहदे नाल किहड़ा परसन एसोसिएट नहीं हैगा, तां आपां ने याद रखना है राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिरी, ठीक है, एक अशफक उल्ला खान भी सी, वह भी इसे केस के नाल एसोसिएट सी। इसका आंसर बन जाएगा अपना डी ऑप्शन, दे वर एसोसिएटेड विद ककोरी कंस्पायरेसी केस। नेक्स्ट देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन, वेयर वॉज द फर्स्ट म्यूनसीपल कारपोरेशन इन इंडिया सैटअप, यानी भारत के विच पहली जो म्यूनसीपल कारपोरेशन है यह सैटअप की गई सी, ये पूछा गया अपन कितने सैटअप की गई सी, ठीक है। यह चार ऑप्शन दिए गए ने, यह जो सैटअप की गई सी यह की गई सी मद्रास के, मद्रास के इस सैटअप किया गया सी, जो पहली जो म्यूनसीपल कारपोरेशन है इंडिया के, इस मद्रास के जोड़ा सैटअप किया गया सी, मद्रास कितने है तमिलनाडु के। इस क्वेश्चन का जोड़ा सही उत्तर बन जाएगा अपना वो बन जाएगा डी ऑप्शन, मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग फाउट द बैटल ऑफ खिदराना, यानी किहड़े सिख गुरु ने जिन्हों के द्वारा जो बैटल ऑफ खिदराना है यह लड़ी गई सी, ठीक है, यानी सिखा की तरफ तो जो बैटल ऑफ खिदराना है यह किस सिख गुरु के द्वारा लड़ी गई सी, ये आपको क्वेश्चन के पूछा गया है। यह चार ऑप्शन आपको दिए गए ने, जो बैटल ऑफ खिदराना है इस लड़िया गया सी 10th गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के द्वारा। इस क्वेश्चन का जोड़ा सही उत्तर बन जाएगा अपना वो बन जाएगा सी ऑप्शन, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, ठीक है। यह 10th गुरु ने सिखिज़म दे विच, जो फर्स्ट गुरु ने वो ने श्री गुरु नानक देव जी, ठीक है, गुरु नानक देव जी ने जोड़े ये पहले सिख गुरु ने सिखिज़म दे विच, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इन्हों का जन्म होया 1469 दे विच, ठीक है, और जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने इन्हों का जन्म होया 1666 दे विच, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस तो इलावा आपको काफ़ी चीज़ा होर पता होनी चाहिए ने इस बैटल्स के रिलेटड, जो गुरु गोबिंद सिंह जी के द्वारा काफ़ी सारिया बैटल्स ने जिहड़ियां वो लड़िया गई सी, ये आपको पता होना चाहिए ने। सब तो पहला तो आपको यह पता होना चाहिए जो बैटल ऑफ खिदराना है यह कदों लड़ी गई सी, जो बैटल ऑफ खिदराना है यह लड़ी गई सी गुरु जी के द्वारा 1705 ईस्वी के, 1705 ईस्वी के गुरु जी के द्वारा जो यह बैटल है वो लड़ी गई सी मुगलों के अगेंस्ट, ठीक है। यह जो बैटल हुई सी इस 40 जो सिक्स ने वो इस शहीद हो गए सी इस बैटल के, इस जो ये बैटल हुई सी खिदराना वाली, इस 40 जो सिख ने वो शहीद हो गए सी इस बैटल ऑफ खिदराना दे, ठीक है, यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। खिदराना उ प्लेस है जिथे हर साल मुकसर के नेड़े है, मुकसर के ही आता खिदराना, ठीक है, हर साल जिथे एक मेला लगता है लोहड़ी तो अगले दिन, यानी यह जो 46 जिहड़े ने 40 जो सिख ने वो शहीद हो गए सी
इस बैटल ऑफ केदराना दे विच। ठीक है, इन्होंने इन्हों की याद दे विच एक मेला लगाया जाता है। ठीक है, इन्हों याद करन दे लई। ठीक है, ये आपां नूं याद रखना खिदराना जो मुकसर दे विच आंदा है, इत्थे मेला लगता है हर साल इन्हां दी याद दे विच। ठीक है, ये आपां नूं पता होना चाहिए। ठीक है, आपां नूं पुछा जाता है जो मुकसर का मेला लगता है वह किस बैटल के कारण लगता है जां किस गुरु के नाल एसोसीएट है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपने याद रखना जो मुकसर का मेला लगता है खिदराना की बैटल के कारण लगता है, तो गुरु गोबिंद सिंह जी के नाल एसोसीएट है यह जो बैटल है। ठीक है, यह भी आपां नूं पता होना चाहिए। उस तो बाद ये तो सी अपनी बैटल ऑफ खिदराना। अगर पूछा जाए जो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सी इन्हों की जो पहली बैटल सी वो केड़ी सी। ठीक है, पहली जो बैटल इन्हों के द्वारा लड़ी गई सी वो लड़ी गई सी 1688 ईस्वी के। ठीक है, यह जो बैटल का नाम सी वह की सी पंगानी की लड़ाई, बैटल ऑफ पंगानी। ठीक है, बैटल ऑफ पंगानी लड़ी गई सी गुरु गोबिंद सिंह जी के द्वारा 1688 ईस्वी के। ठीक है, उस तो बाद सैकेंड जो बैटल लड़ी गई सी गुरु गोबिंद सिंह जी के द्वारा वो 1690 लड़ी गई सी, जिसका नाम की दिता गया, इसका नाम दिता गया नदौन। यह बेसिकली प्लेस के नाम ने, जिमें पंगानी हो गया तो नदौन हो गया हिमाचल प्रदेश के विच ने। ठीक है, नदौन हिमाचल प्रदेश के विच है, यह जगह का नाम है जिथे लड़ाई लड़ी गई सी, इस करके इसका नाम ही पै गया बैटल ऑफ नदौन। यह 1690 के विच लड़ी गई सी। ठीक है, उस तो बाद सब तो इंपोर्टेंट अपने को सैकेंड जो बैटल हुई सी आनंदपुर साहिब की, वो सब तो इंपोर्टेंट है। ठीक है, उस तो पहला आपको पता होना चाहिए है 1701 के विच जो पहली बैटल हुई सी वो हुई सी फस्ट बैटल ऑफ आनंदपुर साहिब। फस्ट बैटल ऑफ आनंदपुर साहिब, फस्ट जो बैटल हुई सी फस्ट बैटल ऑफ आनंदपुर साहिब, यह 1701 के विच हुई सी, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उस तो बाद इसे बैटल रिपीट किया गया, यानी इसे बैटल नू इसी जगह दे उपर 1704 दे विच फिर बैटल हुई है, जिसका नाम की दिता गया सैकेंड बैटल ऑफ आनंदपुर साहिब। सैकेंड बैटल ऑफ आनंदपुर साहिब है जो इस नू नाम दिता गया, जो 1704 दे विच हुई सी। इस दे विच बेसिकली जो वजीर खान और श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने इन्हां दे दोनों दे विचकार हुई सी, यानी सिखिज़म की तरफ तो कौन सी, गुरु गोबिंद सिंह जी। ठीक है, गुरु गोबिंद सिंह जी, तो जो मुगल्स की तरफ तो सी वह कौन सी, वजीर खान, वजीर खान। ठीक है, सैकेंड बैटल ऑफ आनंदपुर साहिब दे विच। इस दे विच बेसिकली आपां ने याद रखना है जो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे दो बेटे सी। ठीक है, जो यंगर सन सी इन्हां दे दो बेटे सी, इन्हां दे जोरावर ते फतेह। ठीक है, जोरावर सिंह ते फतेह सिंह, फतेह सिंह, इन्हां दोनों नूं जिहड़ा है नीहां दे विच चिनवा दिता गया सी, यानी ब्रिकड अलाइव। ठीक है, ब्रिकड अलाइव। ठीक है, ये आपां ने याद रखना है। आपां पूछा जा सकता है किस बैटल दे विच जो शहीद जोरावर सिंह एंड शहीद फतेह सिंह नू नीहां दे विच चिणवाया गया सी, ब्रिकड अलाइव। तो आपां ने याद रखना सैकेंड बैटल ऑफ आनंदपुर साहिब जो कि 1704 दे विच हुई सी। उस तो बाद एक बैटल होर इंपोर्टेंट है अपनी, वह है 1705 दी बैटल। 1705 दी बैटल, इस बैटल का नाम की है बैटल ऑफ चमकौर साहिब, बैटल ऑफ चमकौर साहिब। जो बैटल ऑफ चमकौर साहिब हुई सी 1705 दे विच हुई सी, सब तो पहला आपां नूं इह पता होना चाहिए। ठीक है, उस तो बाद आपां ने याद रखना है गुरु गोबिंद सिंह जी दे दो जो वड्डे साहिबजादे सी। ठीक है, इन्हां दे नाम ने अजीत सिंह जी ते जुझार सिंह जी, जुझार सिंह जी। ठीक है, यह दोनों जो साहिबजादे ने यह शहीद हो गए सी इस बैटल दे विच, जिसका नाम की है बैटल ऑफ चमकौर साहिब। यह भी आपां नूं पता होना चाहिए। यह सारिया इंपोर्टेंट बैटल्स ने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के नाल जो रिलेटड ने, जो आपू एग्जाम परसपैक्टिव तो पता होने चाहिए ने। इसका सर बन जाएगा अपना सी ऑप्शन, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। नैक्सट देखो सिक्स नंबर क्वेश्चन, छे नंबर क्वेश्चन, द टाइटल गिवन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू महात्मा गांधी विच ही सरेंडर्ड ड्यूरिंग द नॉन कोपरेशन मूवमेंट वाज, यानी नॉन कोपरेशन मूवमेंट के दौरान जदों जो महात्मा गांधी ने इन्हों इन्हों द्वारा अपने आप को सरेंडर कर दिता गया सी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगे। ठीक है, इन्हों उस समय एक टाइटल दिता गया सी, उस टाइटल का नाम की है। ठीक है, यह चार ऑप्शन तुसी देख सकते हो। ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट सी इन्हों दे द्वारा जो महात्मा गांधी जी ने इन्हों एक टाइटल दिता गया सी, इसका नाम की है केसर ए हिंद। इस क्वेश्चन का जिहड़ा सही उत्तर बन जाएगा अपना वह बन जाएगा बी ऑप्शन, केसर ए हिंद। जो नॉन कोपरेशन मूवमेंट है, इसनों 1920 स्टार्ट किया गया सी। ठीक है, नॉन कोपरेशन मूवमेंट की सी, इस दे विच बेसिकली जो फॉरन गुड्स ने, ठीक है, जो फॉरन गुड्स ने इन्हों का अपने की करना, बायकॉट करना है। यानी जो ब्रिटिशर्स के द्वारा कोई भी समान बनाया जाता, चाहे कपड़े होन जा कोई भी होर वस्तु होवे, उन्हों का की करना है, अपने बायकॉट करना है।
फॉरन गुड्स नूं बायकॉट करना आपां ने, ठीक है। उस तो बाद दूजा की सी इहदे विच, पहला तो यह हो गया अपने कोल फॉरन गुड्स नूं बायकॉट करता, तो दूजी चीज़ इहदे विच इंपोर्टेंट की सी, ओह सी रेजिग्नेशन फ्रॉम पोस्ट्स, यानी जो इंडियंस ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर किसी भी फैक्ट्री के कंपनी के फिर गवर्नमेंट के काम करते सी उन्हां दी रेजिग्नेशन, यानी उन्होंने द्वारा अपना जो रिजाइन है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंपा गया सी, ठीक है। यह सैकेंड इंपोर्टेंट पॉइंट से इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, ठीक है। यह जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से इसनों अनाउंस कदों किया गया सी, 1 अगस्त 1920 अनाउंस किया गया सी, सेम दिन जो बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है, इन्हों की मृत्यु हो गई सी, यानी इन्हों की डैथ हो गई सी, ठीक है। जो बाल गंगाधर तिलक ने इन्हों की डैथ हो गई सी 1 अगस्त 1920 जिस दिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है जी अनाउंस की गई सी महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है। यह जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है चलती गई। उस तो बाद एक टर्म है जी जवाहर लाल नहरू ने यूज़ की सी, जवाहर लाल नहरू ने जोड़े जो पहले प्रधानमंत्री बने से इंडिया के, इन्हों के द्वारा एक टर्म यूज़ की सी, एक फ्रेज यूज़ की सी जिसका नाम की है लिवरी ऑफ फ्रीडम। इन्हों के द्वारा जो टर्म है वो यूज़ कहदे वास्ते की गई सी, खादी को प्रमोट करने के लिए, यानी जो समान इंडिया के बनता है चरखे के नाल बनाया जाता है, ठीक है, चरखे ने भी प्रमोट किया गया इस मूवमेंट के बेसिकली, ठीक है, क्योंकि आप जो फॉरन गुड्स ने उन्होंने आप की कर रहे बायकॉट कर रहे हैं, इस करके आप खादी को की करेंगे प्रमोट करेंगे, इंडिया का जो समान बनया हुआ उसने आप करेंगे प्रमोट करेंगे। खादी को प्रमोट करने के लिए एक फ्रेज दिता गया, एक टर्म यूज़ की गई जवाहर लाल नहरू के द्वारा लिवरी ऑफ फ्रीडम, ठीक है। यह भी आप 3-4 बार क्वेश्चन है जो एग्जाम के पंजाब के पूछा जा चुका है, सो याद रखना है, ठीक है। उस तो बाद यह जो मूवमेंट है चलती रही। उस तो बाद 1922 के होया एक चौरी चौरा इंसीडेंस बेसिकली चौरी चौरा एक प्लेस का नाम है जो कि यूपी के उत्तर प्रदेश के, ठीक है। इतने जो इंडियंस ने इंडिया के जो भड़के हुए मॉब से जिन्होंने आप मॉब बोलते हैं या फिर आप भड़के हुए लोग से जोड़े इस मूवमेंट के कारण, ठीक है, उन्होंने द्वारा एक ब्रिटिशर्स का चौरी चौरा नाम के प्लेस के उपर एक पुलिस स्टेशन से जिस दे उपर अग लगाती, ठीक है, जो इंडियन से उन्होंने द्वारा पुलिस स्टेशन के उपर अग लगा दी गई 1922। उस तो बाद इस घटना को देखने तो बाद गांधी जी के द्वारा इस मूवमेंट विदड्रॉ कर लिया गया। उस तो बाद ही जिहड़े गांधी जी ने इन्हों जिहड़ा है अरैसट किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, उस समय इन्हों टाइटल दिता गया केसरे हिंद। यह पूरी घटना सी इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के रिलेटड, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बन जाएगा अपना वो बन जाएगा केसर ए हिंद, ठीक है। यह भी याद रखना अपने 1922 के जी विदड्रॉ की गई सी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चौरी चौरा इंसीडेंस तो बाद, ठीक है। नैक्सट देखो 7th नंबर क्वेश्चन, सखी शब्द एंड रामायणी आर द नोटेबल वर्क्स ऑफ, यानी आपां नूं पुछा गया है सखी शब्द एंड रामायणी यह नोटेबल वर्क्स ने, किस दे नोटेबल वर्क्स ने, यह तीनों सखी शब्द एंड रामायणी ऑप्शन 4 दिए गए हैं, तुम देख सकते हो इसका आंसर जो बनेगा वह बनेगा अपना कबीर। यह क्वेश्चन अपने एग्जाम के 6-7 बार रिपीट हो चुका है, सो याद रखना है कबीर, सखी शब्द एंड रामायणी जो नोटेबल वर्क्स ने किस दे ने, यह कबीर दे ने, इसका आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन कबीर। नैक्सट देखो 8th नंबर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग कंपोज्ड सुखमनी इन आदि ग्रंथ, ठीक है, यानी आपां नूं पुछा गया है किहड़े सिख गुरु ने जिन्हां दे द्वारा आदि ग्रंथ दे विच जो सुखमनी है इसनों कंपोज किया गया है। सुखमनी साहिब का जो पाठ हुंदा है यह आदि ग्रंथ दे विच है, ठीक है। इसनों पुछा गया है किस सिख गुरु के द्वारा लिखा गया, ठीक है, कंपोज किसने किया, किस सिख गुरु ने कंपोज किया, इसनों कंपोज किया गया है किस दे द्वारा, ऑप्शन तुसीं देख सकते हो 1st, 2nd, 3rd, and 4th। इस क्वेश्चन आंसर बन जाएगा अपना श्री गुरु अर्जन देव जी। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बन जाएगा अपना वो बन जाएगा ए ऑप्शन श्री गुरु अर्जन देव जी। नैक्सट देखो 9th नंबर क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह एक्वायर्ड द कोहिनूर डायमंड फ्रॉम, यानी जो महाराजा रणजीत सिंह ने, ठीक है, जो फस्ट सिख रूलर बने से पंजाब के, ठीक है, इन्हों के द्वारा कोहिनूर का हीरा जोड़ा है यह एक्वायर किया गया सी, प्राप्त किया गया सी, किस तो लिया सी, ठीक है, यह जो कोहिनूर का हीरा है किस तो लिया सी महाराजा रणजीत सिंह ने, ऑप्शन तुसी देख सकते हो इत्थे, यह 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यह जो कोहिनूर का हीरा है यह जो महाराजा रणजीत सिंह ने इन्हों के द्वारा एक्वायर किया गया सी, किस तो यह एक्वायर किया गया सी अफगान किंग शाह शुजा तो। इस क्वेश्चन का जिहड़ा सही उत्तर बन जाएगा अपना वो बन जाएगा सी ऑप्शन, अफगान का एक किंग सी जिसका नाम की सी शाह शुजा, अफगान किंग शाह शुजा तो कोहिनूर का जिहड़ा डायमंड है हीरा है, ठीक है, जो ब्रिटेन की राणी पैंदी है प्रेजेंट टाइम पर, ठीक है, इसनों एक्वायर किया गया सी महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा अफगान किंग शाह शुजा तो।
इस आंसर बन जाएगा अपना सी ऑप्शन अफगान किंग शाह शुजा। इस तो अलावा अपन ये भी याद रखना जो महाराजा रणजीत सिंह ने अपन पूछा जाता एग्जाम के ठीक है, जो महाराजा रणजीत सिंह ने मिसल का नाम दसो तो अपने याद रखना इन्हों की जो मिसल का नाम है वह है शुकर चाकिया मिसल। शुकर चाकिया मिसल तो बिलोंग करते हैं महाराजा रणजीत सिंह। इन्हों का जो चाइल्डहुड नेम से वो की सी, इन्हों का जो चाइल्डहुड नेम से सैकड़े बारे क्वेश्चन अपने एग्जाम के पूछा जा चुका है ठीक है। चाइल्डहुड नेम जो है इन्हों का की नाम से वो सी बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह जो सी यह इन्हों का नाम से ठीक है, चाइल्डहुड नेम यह अपन पता होना चाहिए ठीक है। उस तो बाद इन्हों का जन्म होया 1780 के ठीक है, इन्हों का बर्थ कद होया 1780 के होया ठीक है। उस तो बाद 1799 ईयर याद रखना है अपने इन्हों के द्वारा जोड़ा थ्रोन ऑफ जोड़ा है एक्वायर किया गया से, यानी जो 12 जो मिसलां से इन्हों कंबाइन करके इन्हों द्वारा ठीक है उस थ्रोन के उपर बैठे से जो महाराजा रणजीत सिंह से, यानी 12 जो मिसलां से इन्हों कंबाइन करके इन्हों उपर रूल किया महाराजा रणजीत सिंह ने। 1799 के इन्हों द्वारा जोड़ा थ्रोन है वह एक्वायर किया गया से, यानी यह गद्दी के उपर कदों बैठे से, यह बैठे से 1799 के ठीक है। उस तो बाद आपां नूं पुछा जांदा है महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा जो महाराजा का टाइटल है कदों अडोप्ट किया गया से, 1801 के विच किया गया से। जो महाराजा का जिहड़ा टाइटल इन्हां नूं दिता गया से यह दिता गया से 1801 के विच, यह भी आपां नूं पता होना चाहिए 1801 के विच ठीक है। उस तो बाद जो महाराजा रणजीत सिंह की आर्मी से ठीक है, इस दे विच दो फ्रेंच ऑफिसर से जिन्हां नूं रिक्रूट किया महाराजा रणजीत सिंह ने। दो फ्रेंच जो ऑफिसर से उन्होंने नाम अपने जो नैब सीलर का एग्जाम होया रीसेंटली उस दे विच पूछे गए सी ठीक है। इन्हों के नाम की ने कैप्टन अलार्ड एंड जीन बैप्टाइज वेंचुरा ठीक है। यह दो फ्रेंच ऑफिसर से जिन्होंने रिक्रूट किया महाराजा रणजीत सिंह की आर्मी के कैप्टन अलार्ड एंड जीन बैप्टाइज वेंचुरा, यह भी आपको पता होना चाहिए। यह अपने एग्जाम के क्वेश्चन पूछा जा चुके नैब सीलर के ठीक है। इसका आंसर है अपना सी ऑप्शन। नैक्सट देखो 10 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नैशनल टाइगर कंजरवेशन अथॉरिटी NTCA। जो नैशनल टाइगर कंजरवेशन अथॉरिटी है इस दे रिलेटेड अपन चार स्टेटमेंट्स दित्तियां गईयां ने। अपन पूछा गया इन्हां दे विचों किहड़ी स्टेटमेंट सही है ठीक है, इन्हां दे विचों किहड़ी स्टेटमेंट सही है यह अपन पूछा गया। सब तो पहली स्टेटमेंट दी गई है अपन NTCA यानी नैशनल टाइगर कंजरवेशन अथॉरिटी जो है यह की एक स्टैचुरी बॉडी है ठीक है। यह एक स्टैचुरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है अपनी बिल्कुल सही दी गई है, जो नैशनल टाइगर कंजरवेशन अथॉरिटी है यह एक स्टैचुरी बॉडी है ठीक है। यह मिनिस्ट्री ऑफ इनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर काम करती है। अगर पूछा जाए प्रेजेंट टाइम पर जो इंडिया के जिहड़े मिनिस्टर ने ठीक है, जो मिनिस्टर ने करंट टाइम पर प्रेजेंट टाइम पर इनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के उन्होंने नाम दसो तो आपने याद रखना है इन्हों का नाम की है भुपेंद्र यादव ठीक है। इनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जिहड़े मंत्री ने इंडिया के उन्होंने नाम की है, उन्होंने नाम है भुपेंद्र यादव। फस्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ठीक है। उस तो बाद यानी अगर फस्ट सही है अपनी आपको करैक्ट पूछा गया तो अगर आप देखिए फस्ट स्टेटमेंट सही है तो अपना यह आंसर कभी नहीं हो सकता क्योंकि ये पहला जो स्टेटमेंट है उन्होंने दी गई ये भी पहली स्टेटमेंट नहीं दी गई तो यह भी अपना आंसर नहीं हो सकता। इन्हों दोनों के कोई ऑप्शन अपना सही होगा ठीक है। उस तो बाद जो नैशनल टाइगर कंजरवेशन अथॉरिटी जो है इसनों बनाया गया से कहते अंडर इनवायरमेंटल प्रोटैक्शन एक्ट 1986। जो NTCA है इसनों 1986 के नहीं बनाया गया, इसनों बनाया गया 2005 के ठीक है। इसनों 2005 के एक्ट के अंडर बनाया गया से, यह अपने याद रखना। सैकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, अगर सैकेंड गलत है तो यह भी अपना आंसर नहीं हो सकता तो आंसर अपने को सिर्फ और सिर्फ पहला बन जाएगा। जो फस्ट स्टेटमेंट है सिर्फ और सिर्फ यही सही है ठीक है। उस तो बाद जो नैशनल टाइगर कंजरवेशन अथॉरिटी इसनों कहते चेयर करते हैं कौन, प्रधानमंत्री इसनों चेयर नहीं करते, इसनों चेयरमैन कौन करते हैं, जो इनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मंत्री होंगे ने, यानी जो मंत्री होंगे ने मिनिस्टर ऑफ इनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो मंत्री होंगे ने जो कौन ने भुपेंद्र यादव, यह मंत्री होंगे ने इस NTCA दे, इसनों चेयर किया जाता है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, जिसके मंत्री कौन है भुपेंद्र यादव। थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल रॉन्ग है ठीक है। NTCA डज नॉट इंटरवेन इन प्रोजेक्ट टाइगर, यानी इस NTCA कह गया है कि दखल नहीं कर सकती प्रोजेक्ट टाइगर के, यह भी गलत है क्योंकि जो NTCA है इसके द्वारा टाइगर जो है टाइगर बचाने के लिए है, सेव करने के लिए जो है
यह साइन किया गया सी, यानी यह ऑर्गनाइजेशन बनाई गई सी, यह इस दे विच प्रोजेक्ट टाइगर दे विच दखल दे सकते हैं, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उन्होंने रिकमेंडेशन भी की जा सकती है प्रोजेक्ट टाइगर के रिलेटेड। यह भी बिल्कुल रोंग स्टेटमेंट दी गई है। इसका आंसर कि बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ पहली स्टेटमेंट सही है इस दे विच, ठीक है। इसका आंसर बन जाएगा अपना ए ऑप्शन फर्स्ट ओनली। उस तो नैक्सट नैक्सट देखते हैं अपना दो क्वेश्चन आप देखते हैं कंप्यूटर के, 10 क्वेश्चन अपने जीके के देख ले इतने तक, ठीक है। हूँ करंट अफेयर देखते दे हैं आप जो कंप्यूटर के क्वेश्चन ने, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन में की क्या गया अपन जो एम एस ऑफिस है इस आप एक टर्म यूज करते हैं या कमांड यूज करते हैं वर्ड रैप। वर्ड रैप जो है यह टर्म जो कमांड है यह जो टर्म है इसका मतलब की है, इतने ऑप्शन देख सकते हो तुम फस्ट सैकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। जो वर्ड रैप है इसका कम की होंगे, इसका कम की होंगे मूविंग टैक्सट ऑटोमैटिकली टू द नैक्सट लाइन। अगर मान लो जिमें इतने देखो इस लाइन के, ठीक है, यह लाइन है जो इतने ग्रामैटिकली यह लाइन है जी इतने फुल फिल हो गई, उस तो बाद जो टैक्सट है वो अपने आप नैक्सट लाइन के चलिया गया, ठीक है। यही कम किसका होंगे है, यही मतलब किसका होंगे है वर्ड रैप का, ठीक है। यानी जो टैक्सट एक लाइन के कंप्लीट होने तो बाद नहीं आ रहा, उस तो बाद नैक्सट लाइन के अपने आप शिफ्ट हो जाएगा, नैक्सट लाइन के जोड़ा है वह चलिया जाएगा ऑटोमैटिकली, उसनों की बोलते हैं आप वर्ड रैप, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर बन जाएगा अपना मूविंग टैक्सट ऑटोमैटिकली टू द नैक्सट लाइन। इन एम एस वर्ड प्रेसिंग एफ एट की थ्री टाइम्स सिलेक्ट्स, यानी जो एम एस वर्ड इस अगर आप एफ एट की जो है इसमें आप तीन बार प्रेस कर दिए तो की सिलेक्ट हो जूगा, वर्ड सिलेक्ट हो जूगा, सेंटेंस, पैराग्राफ या फिर इंटायर डॉक्यूमेंट, ठीक है। जो आप जो एफ एट की है इसमें तीन बार प्रेस करेंगे तो जो एक सेंटेंस होगा एक वाक होगा जोड़ा वह सिलेक्ट हो जूगा। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बन जाएगा अपना वो बन जाएगा बी ऑप्शन अ सेंटेंस, ठीक है। उस तो बाद देखते हैं आप जो पांच क्वेश्चन अपने मैथ और रीजनिंग के इनकलूड किए हैं, ठीक है। इस आपको क्या गया है एक राइट एंगल ट्रैंगल है, ठीक है। मान लो ये अपने को एक राइट एंगल ट्रैंगल है, ठीक है। इस आपको क्या गया है राइट एंगल ट्रैंगल के रिलेटड, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रैंगल है, राइट एंगल ट्रैंगल जो एक एंगल है वो 90 डिग्री का बनता है 90 डिग्री का, ठीक है। इस आपको की क्या गया है एक राइट एंगल ट्रैंगल है जिसकी हाइट आपको जी है इनक्रीज करनी अपने 20%, यानी जी हाइट है इसनों अपने 20% इनक्रीज करना है, तो जो बेस है यानी जो यदा बेस है इसनों अपने 10% की करना है डिक्रीज करना है, ठीक है। इसनों डिक्रीज करना 10%, ठीक है। आपको की पूछा गया है जो एरिए के उपर इंपैक्ट पेगा चेंज होएगा ट्रैंगल दे कि चेंज होएगा, ठीक है। अपन फॉर्मूला वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए अपने को एक फॉर्मूला है डायरेक्ट नेट इफेक्ट का, ठीक है। इसका फॉर्मूला की कहता है ए प्लस बी प्लस ए बी ओवर 100, ठीक है। इस दे विच ए जिहड़ा जो पहली इनक्रीज होया उसनों आप ए नाल डिनोट कर देंगे, जो दूजा इनक्रीज डिक्रीज होया उसनों आप बी दे नाल डिनोट कर देंगे। जिवें 20% इनक्रीज होया तो बी लिख लेंगे इतने, ठीक है। उस तो बाद 10% डिक्रीज होया, डिक्रीज के केस दे विच आपने माइनस लिख देना नाल, बस और कुछ नहीं करना। अगर तो प्लस आपने कदों करना जो इनक्रीज हो रहा हो, जो डिक्रीज हो रहा हो तो माइनस कर देना, ठीक है। उस तो बाद प्लस इतने अपने को इतने है 20% तो इतने है -10%, ठीक है। -10% बटे कि आजगा अपने को 100, ठीक है। इतने बी दे विच 10 माइनस किया 10 आ गया, तो इतने आजगा अपना प्लस प्लस उस तो बाद बी गुना 10 किया 200 आ गया, इतने कि आजगा -200 बटे कि आजगा 100, 2 जीरो के 2 जीरो कैंसल, यानी इतने अपने को सिर्फ और सिर्फ की बच गया इन सॉल्व करने तो बाद माइनस 2, 10 के माइनस कर देंगे 2, यानी 8% इतने की आ गया इनक्रीज आ गया। जदों इतने प्लस के टर्म आ जाए तो उस केस की होगा इनक्रीज होगा, अगर मान लो इतने 8% की आ जाता माइनस आ जाता मान लो, ठीक है। इतने मान लो 10% 12 माइनस करते तो इतने माइनस की वैल्यू आ जाती, तो इतने अपने को माइनस की वैल्यू जो आ जाती तो उस केस हो जाता डिक्रीज हो जाता, ठीक है। इतने आपको 8% इनक्रीज से डिक्रीज दोनों दिते ने, याद रखना है अपने, जदों प्लस का सिंबल आ जाए तो उस केस इनक्रीज होंगे, जो माइनस का सिंबल आ जाए तो उस केस डिक्रीज होंगे, ठीक है। इस करके आंसर कितना बन जूगा अपना 8% इनक्रीज हो गया, जो एरिया है वो 8% की हो गया इनक्रीज हो गया। इसका आंसर है सी ऑप्शन। नैक्सट देखो 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या गया है एक वॉच है, ठीक है, जो 3 सैकेंड है जो हौली चलती है 4 मिनटों के, यानी एक जो घड़ी है यह 4 मिनटों के कि हौली चलती है 3 सैकेंड हौली चलती है, ठीक है। आपको की पूछा गया है अगर एक यह सेम घड़ी 8 बजे सवेरे सही टाइम शो करती है तो आपको पूछा गया है, ठीक है, सेम दिन 11 PM तक यह कि टाइम घट या फिर वध शो करेगी आपको पूछा गया, ठीक है। इतने की आजगा हूँ 11 PM आजगा, ठीक है। अगर आप देखिए 8 तो लैके अपने 8 तक जाना तो किन्ने घंटे हो जाएंगे 12, उस बाद 3 घंटे होर हो गए 11 तक, तो आप कह सकते हैं टोटल घंटे किन्ने हो गए 15,
यानी इतने आप वैल्यू किनी बनावे 15 घंटे, इतने वैल्यू किनी 4 मिनट, 4 मिनटों आप किन्ने घंटे कन्वर्ट करेंगे 15 घंटे, ही आपको पता लग पाऊगा किन्ने मिनट घट वध होएगी जो है घड़ी होएगी। ठीक है, 4 मिनटों अगर आपने 1 घंटा बनाना तो किन्ने मल्टीप्लाई करना पेगा 15, 15 × 4 किया तो अपने को वैल्यू किनी आएगी 60। 60 मिनट किनू डिनोट करता, 1 घंटे डिनोट करता। ठीक है, 1 घंटा बन गया, उस तो बाद आपने किन्ना बनाना 15 घंटे, गुना कर दो फिर 15 घंटे हो गए। अगर आपने 15 × 15 इस साइड किया तो इस साइड भी आपको 15 × 15 करना पेगा, 3 × 15 × 15 यह वैल्यू कि आ गई अपने को, जो वैल्यू है यह अपने को वैल्यू आ गई जो कि घट शो करेगी क्योंकि 3 सैकेंड जो है यह घड़ी घट शो करती है। ठीक है, 4 मिनटों के। ठीक है, अगर यह देखिए आप वैल्यू जो है सैकेंड्स के आई है तो आप इन्हों मिनट के कन्वर्ट कर लेंगे मिनटों के। 15 × 15 = 60। ठीक है, इतने वैल्यू कितनी बन गई 15 × 3 = 45, 45 / कितना आ गया अपने को 4। ठीक है, 11 × 44। ठीक है, 11 × 44 इतने वैल्यू कितनी आ गई अपने को 11 मिनट। ठीक है, 11 मिनट, उस तो बाद 1 बच गया, 1/4 करता, 1/4 गुना करा आप 60 के नालू सैकेंड कन्वर्ट कर लेंगे, 4 × 4 15 × 60 यानी 11 मिनट 15 सैकेंड, यानी जो घड़ी है यह 11 बजे रात को 11 मिनट 15 सैकेंड घट शो करेगी। यानी आप करा 11 जो PM ने इस माइनस कर देंगे 11 मिनट 15 सैकेंड, जो ये आप माइनस कर देंगे 12 मिनट माइनस कर लो पहले तो। ठीक है, तो इतने वैल्यू कितनी बन जूगी 10 घंटे यानी 10:48, उस बाद 15 माइनस करेंगे तो कि वैल्यू 45 सैकेंड, 10:48, 45 सैकेंड यह घड़ी जो है यह शो करेगी 11 बजे शाम को। इसका आंसर की बन जूगा अपना, इसका आंसर बन जाएगा अपना बी ऑप्शन, 10:48, 45 सैकेंड शो करेगी यह जो घड़ी होएगी 11 बजे रात को, क्योंकि 4 मिनटों के 3 सैकेंड अगर यह घट शो करती है तो उस केस के 15 घंटे के 11 मिनट 15 सैकेंड घट टाइम शो करेगी। इस करके यह घड़ी 11 बजे रात को कितना टाइम शो करेगी, 10:48, 45 सैकेंड शो करेगी। इसका आंसर की है अपना, इसका आंसर है बी ऑप्शन। उस तो बाद नैक्सट देखो 15 नंबर क्वेश्चन, 4 परसनस ने, ठीक है, सेम कंपनी के काम करते हैं। ठीक है, द सम ऑफ द इनकम ऑफ पी एंड क्यू इज मोर दैन दैट ऑफ आर एंड एस टूगैदर, यानी आपको कहा गया है पी और क्यू का जो इनकम है, पी और क्यू की जो इनकम है यह आर ते एस की इनकम तो ज़्यादा है। ठीक है, आर ते एस की जिनी भी इनकम है, मान लो जी 100 है तो इन्हों की ज़्यादा होगी, 110 हो 15 होनी भी हो सकती है। ठीक है, यानी पी और क्यू की जी इनकम है, इन्हों का सम है जोड़ा यह आर ते एस की इनकम तो ज़्यादा है। ठीक है, द सम ऑफ द इनकम्स ऑफ पी एंड आर इज द सेम एज द सम ऑफ क्यू एंड एस, यानी पी प्लस आर का जो इनकम का सम है यह क्यू तो एस की इनकम के बराबर है, पी तो आर की इनकम है जी क्यू तो एस की इनकम के बराबर है। ठीक है, उस तो बाद जो पी है यह पी अर्नज हाफ एज मच एज द सम ऑफ द इनकम्स ऑफ क्यू एंड एस, यानी जिन्हें क्यू तो एस कमाते हैं, ठीक है, वह हाफ कौन कमा पी कमा, यानी बटे कि कर देंगे आप 2 कर देंगे। ठीक है, पी कि कमा जिन्हें क्यू तो एस कमाते हैं उन्हों का अद्धा करांगे तो वह कि कौन कमाई करता है, पी कमाई करता है। ठीक है, अगर आप थर्ड जो फ्रैक्शन है इसको सॉल्व कर लिए तो 2 है जो इधर चला जाएगा, यानी 2p की वैल्यू कि आ गई क्यू तो एस के एक आ गई, यानी क्यू तो एस की वैल्यू के आप 2p जो है पुट कर सकते हैं। इतने अगर आप पुट कर दिए तो उस केस के पी प्लस आर क्यू प्लस एस की वैल्यू की पुट कर देंगे आप 2p। ठीक है, जो 2p पुट कर देंगे तो इधर जो पी इधर आगे माइनस हो जाएगा, 2p के माइनस किया पी तो वैल्यू कि आ गई अपनी पी आ गई कल, यानी आर इज इक्वल टू की आ गया पी आ गया। ठीक है, आर इज इक्वल टू की आ गया पी आ गया, इतने तुम देख सकते हो। ठीक है, अगर आर इज इक्वल टू पी है, यानी इतने अगर पी अगर मान लो आर यदि आप वैल्यू मान लें, यह अगर पी 50 रुपये कमाता तो उस केस आर भी किन्ने रुपये कमाऊगा, 50 रुपये कमाऊगा, तो इस केस पी है जो किन्ने रुपये कमा रहा, 50 रुपये, आर किन्ने कमा रहा है, यह भी 50 रुपये कमा रहा है, तो उस केस दोनों बराबर बराबर कमा रहे हैं, तो आप कह सकते जो क्यू है यह किस तो बड़ा हो गया, उन्होंने एस तो बड़ा हो गया, क्योंकि पी तो क्यू की जी इनकम है वह आर ते एस की इनकम तो ज़्यादा है। इस करके जोड़ा आंसर की बन जूगा अपना वह बन जूगा क्यू, क्यू की जी इनकम है वह एस की इनकम तो ज़्यादा है। ठीक है, यही आपको क्वेश्चन के पूछा गया, इनकम पूछना पूछा से आपको कि ज़्यादा है। ठीक है, इस करके आंसर की बन गया अपना क्यू की इनकम है जी यह सब तो ज़्यादा है, हाईएसट इनकम किसकी है, हाईएसट इनकम है क्यू की, इसका आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन। नैक्सट देखो 16 नंबर क्वेश्चन, एक बैग है जिस 5 रेड 4 ग्रीन 6 ब्लू 3 येलो बॉल्स ने। ठीक है, इस
बैग के विचों दो बॉल्स कढ़िया गई रैंडमली, ठीक है। आपां नूं प्रोबेबिलिटी पूछा गया है, यह जो बॉल्स आपने दो कढ़िया ने इन्हां दे विचों कोई भी जिहड़ी बॉल है वो ब्ल्यू नहीं होनी चाहिए, नीली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप देखिए टोटल बॉल्स कितनियां ने, टोटल बॉल्स ने 5 ते 4 9 9 ते 6 15 ते 3 18, टोटल 18 बॉल्स ने। जिन्हिया भी टोटल होंदिया ने वो नीचे लिखो, 18 दे विच कितनियां कढ़नियां ने, आपने दो कढ़नियां ने तो आपने 18 सी 2 लिख लिया, ठीक है। उस तो बाद आपां नूं पुछिया इहदे विच कोई भी ब्ल्यू नहीं होनी चाहिए, ब्ल्यू नहीं होनी चाहिए तो ब्ल्यू नूं माइनस कर दो, ठीक है। 18 दे विचों 6 माइनस करांगे 12, यानी जिहड़ियां दो बॉल्स आपां कढ़ांगे जां तां इहनां चों कढ़ांगे जां इहनां चों जां इहनां चों कढ़ांगे, ठीक है। 5 ते 4 9 9 ते 3 12, यानी इन्हां दे विचों कढ़ांगे 12 सी 2, क्योंकि आपां नूं इहनां दी प्रोबेबिलिटी पुछा गया, ठीक है। इत्थे अपने कोल 12 सी 2 है तो आपां नूं दो वारी जिहड़ा है सॉल्व कर लेंगे, यानी 12 गुणा की कर देंगे 11, क्योंकि आप जो फैक्टोरियल यूज़ करा तो 12 के माइनस करा 2 तो 10 का फैक्टोरियल आजगा, 10 का फैक्टोरियल नीचे आजगा, 10 के फैक्टोरियल के 10 तो फैक्टोरियल है जरा वह कैंसल हो जाऊगा, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट की करा आप इतने नैक्सट जो नीचे कि है 18 सी 2 तो इतने की करा आप 18 गुणा 17 कर देंगे, तो इतने आप जो 2 का फैक्टोरियल है 2 गुणा 1 लिखा, ठीक है। नीचे इतने भी 2 गुणा 1 लिखा, जो 2 गुणा 1 है 2 गुणा 1 के नाल कैंसल हो जाएगा, तो अपने को वैल्यू की बन गई 12 गुणा 11 बटे कि बन गया अपना 18 गुणा 17। 12 गुणा 11 करेंगे तो वैल्यू 132 बन जूगी, 12 11 मल्टीप्लाई करेंगे 132 आ जूगा, 18 गुणा 17 करेंगे तो 306 आ जूगा, ठीक है। इसनों जोड़ा है कट के नहीं अपन ऑप्शन दिता गया, ठीक है। इस क्वेश्चन का जोड़ा सही उत्तर बन जूगा अपना वो बन जूगा 132/306, 132/306 इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जूगा, ठीक है। इसका आंसर किहड़ा बन जाएगा अपना, इसनों कट के भी सॉल्व तुसीं अगे होर भी कर सकते हो, बट आपां नूं जिहड़ा पेपर दे विच इह क्वेश्चन पुछा गया सी उस दे विच जिहड़ा आंसर सही मन्निया गया सी उही मन्निया गया सी, ठीक है। इस करके आंसर की बन जाऊगा अपना ए ऑप्शन बन जाएगा 132/306, क्योंकि अगर आपां इसनों कटते भी हाँ तो 12 नूं कटांगे आपां 6 दूना 12 6 ती 18 तो इतने वैल्यू कितनी बन जूगी अपनी 11 दूना 22 तो नीचे कितना आजूगा 51 जो कि आपां नूं किसी भी ऑप्शन दे विच नहीं दिता गया। इस करके आपने इसनों कट के अगे सॉल्व भी नहीं किया, सिंपलीफाई नहीं किया, आपने इनू मल्टीप्लाई करने तो बाद ही अपना आंसर मिल गया, तो आपने डायरेक्ट टिक करता, इस आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन 132/306। नैक्सट देखो 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन है जिहड़ा इस दे विच की पूछा गया आपां नूं, एक बास्केट है, ठीक है, जिस दे विच 3 फ्रूट ने, ओरेंज गावा ते जैक फ्रूट, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं 3 फ्रूट्स ने अपने कोले, ओरेंज हो गया, ठीक है, उस तो बाद जैक फ्रूट हो गया, तो तीजा जो फ्रूट है वह कि है तीजा तीजा जैक फ्रूट है, तो दूजा कि है गावा, दूजा जो फ्रूट है वह कि है गावा, ठीक है, गावा तीजा फ्रूट है जैक फ्रूट, जैक, ठीक है। 3 फ्रूट्स ने अपने को, ठीक है, और आपां नूं की कहा गया इस दे विच, आपां नूं कहा गया है जो राम है, ठीक है, जो राम है इस दे द्वारा 60% जिहड़े फ्रूट्स ने वो खाए गए, इहनूं आपां थोड़ा इधर लिख लैंदे हां, ठीक है। इत्थे ओरेंज, इत्थे गावा, तो इत्थे की आऊगा जैक फ्रूट, जैक फ्रूट इत्थे आपां डिनोट कर लाँगे टोटल फ्रूट्स किन्ने ने, ठीक है। इत्थे आपां नूं की कहा गया है राम दे द्वारा 60% जिहड़े फ्रूट्स ने वो खाए गए ने, ठीक है। अगर 60% फ्रूट खाए गए ने तो किन्ने बच जाएंगे 40%, ठीक है। अगर आपां देखिए तो इत्थे लिख लैंदे आपां राम दे द्वारा जो खाए गए ने फ्रूट उन्हां दी गल करदे आपां सब तो पहलां, ठीक है। अगर 60% खाए गए ने टोटल किन्ने फ्रूट्स ने, टोटल फ्रूट्स ने अपने कोल 2 3 5, यानी अपने कोल जो फ्रूट्स ने वो किन्ने ने 2:3:5, यानी अगर आप इतने टोटल जो फ्रूट्स ने उन्होंने लिख लिए तो कि रेशो बन जूगा अपना 2:3:5, 5:3:8:2:10, टोटल फ्रूट्स किन्ने हो गए 10 फ्रूट्स हो गए अपने टोटल इस रेशो के अकॉर्डिंग, ठीक है। राम के द्वारा टोटल फ्रूट्स किन्ने खाए गए 60%, 10 का 60% कि आजगा 6 आजगा तो 10 का 60% 6 कर लेंगे आप, यानी 6 फ्रूट की कहे गए खाए गए, ठीक है, 6 फ्रूट खाए गए और 40% जो रिमेनिंग ने वो किने गावा, तो रिमेनिंग इतने लिख लेने, रिमेनिंग किन्ने बच गए अपने को, रिमेनिंग बच गए 4, ठीक है। आपको कहा गया है 40% गावा किने रिमेनिंग ने, 40% गावा रिमेनिंग ने तो 3 का 40% कि आजगा 3 × 4 12, यानी 1.2 जो गावा ने वो किने रिमेनिंग ने। अगर 1.2 गावा रिमेनिंग ने तो उस केस दे विच खाए किने गए होंगे, खाए गए होंगे 3 दे विचों 1.2 माइनस किया 1.8 आ गया, 1.8 जो फ्रूट्स ने वह गावा खाए गए ने अपने याद रखना है, ठीक है। आपको की पूछा गया जैक फ्रूट घट्टो घट्ट किन्ने परसेंट खाधे गए ने, यानी एट वट परसेंट जैक फ्रूट ऑफ जैक फ्रूट डिड राम ईट,
राम दे द्वारा जो जैकफ्रूट ने वो किन्ने खाए गए ने आपां नूं पुछया गया। ठीक है, अगर आपां देखिए ओरेंज किन्ने ने, दो ने। अगर आपां ओरेंज दो दे दो खवा दिए, क्योंकि आपां नूं घट्टो घट पुछया गया एटलीस्ट घट्टो घट आपां नूं किन्ने खवाने पैणगे जैकफ्रूट, इस करके आपां ने ओरेंज जिन्ने भी सी सारे दे सारे खवाते। ठीक है, गावा आपां नूं पहले ही स्टेटमेंट दे विच ही मैंशन किया गया कि 1.8 खांदा है। ठीक है, 2+1.8 किन्ना होगा 3.8, 6 दे विचों 3.8 माइनस करांगे तां वैल्यू किन्नी आ जाऊगी अपने कोल 2.2 आ जाऊगी। 2.2 फिर की खाना पऊगा, जैक फ्रूट खाना पऊगा। यही आपां नूं पुछा गया किन्ने परसेंट है। ठीक है, आपां नूं की पुछा गया इस दे विच, राम दे द्वारा जो जैक फ्रूट ने किन्ने खाए गए ने, 2.2 खाए गए ने, टोटल किन्ने सी 5 सी, बटे कर देंगे 5, गुणा कर देंगे 100 दे नाल, 5 एकम 5, 20 5 100, 20 गुणा 2.2 कीता तां वैल्यू किन्नी आ जाऊगी 44% आ जाऊगी। 44% जो राम दे द्वारा जैक फ्रूट्स ने वो खाए गए ने, इसका आंसर बन जाएगा अपना ए ऑप्शन 44%। यानी आपने कुछ नहीं करना सी, आपने सिर्फ और सिर्फ गावा इतने सॉल्व कर लिया, 1.8 आ गया। उस तो बाद एटलीस्ट घट्टो घट पूछा, इस करके आपने जिन्हें ऑरेंज सी सारे दे सारे खवाते, तो जिहड़ा जैक फ्रूट सी बाकी जैक फ्रूट खवाता। ठीक है, जो कि 2.2 खाया गया, तो इतने अपना टू जो 44% है निकल चुका है जो अपना राम दे द्वारा जैक फ्रूट खाधे गए हैं। इसका आंसर बन जाएगा अपना ए ऑप्शन 44%, 44%। ठीक है, आई होप तुहानू जिहड़ा इह क्वेश्चन बिल्कुल क्लीयर होया होएगा। उस तो बाद नैक्सट आपां जो तीन क्वेश्चन आपने पंजाबी व्याकरण तो इनकलूड किए ने उन्होंने भी डिस्कस कर लेने। ठीक है, इस दे विच आपां नूं की पुछा गया, किस उपभाषा विच सी सन क्रियावां नूं ती तियां ता ते विच बदलिया जाता है अते हाहा धुनी दा विशेष तौर पर उचारिया जाता है। यानी आपां नूं पुछा गया है ਕਿਹੜੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੀ ਤੀਆਂ ਤਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਹਾ ਧੁਨੀ ਹੈ ਇਸਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਝੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਲਵਈ, ਦੁਆਬੀ, ਪੁਆਧੀ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੁਆਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਪੁਆਧੀ, ਜੋ ਪੁਆਧੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੀ ਨੂੰ ਤੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗਿਆ ਸੀ, ठीक है, एक आप एग्जाम्पल लें जिमें गया सी, गया सी नूं आपां की बोलांगे उन्हों ग्याती। ठीक है, जिमें आप किसी परसन पुछते हैं कि वह तू उत्थे गया सी, इहदे विच की पुछा जाऊगा तू उत्थे ग्याती। ठीक है, इस तरह आपां इसनूं चेंज कर लैंदे हैं। ठीक है, ये याद रखना आपां ने, गया सी जिमें ग्याती बन गया है। ठीक है, आया सी आया ती बन जूगा जिमें। ठीक है, इस तरह आपां नूं पुछा गया है हाहा धुनी दा आपां विशेष तौर पर भी उचार करते हैं, किहदे विच करते हैं, पुआधी दे विच करते हैं। इसका आंसर बन जाएगा अपना डी ऑप्शन पुआधी। ठीक है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं पंजाब के एग्जाम के। जिहड़े पड़नाव नेड़े दीआं चीज़ां वल इशारा करन उन्हां नूं की कहिंदे हन? जिहड़े पड़नाव हुंदे ने नेड़े दीआं वस्तुआं वल जां नेड़े दीआं चीज़ां वल इशारा करदे ने उन्हां नूं की बोलदे आं आपां? ठीक है, ये चार ऑप्शन तुसीं देख सकदे, इन्हां नूं बोलदे आं आपां निकटवर्ती निश्चयवाचक पड़नाव। ठीक है, नेड़े दीआं चीज़ां वल करदे आं तां निकटवर्ती हुंदा है, दूर दीआं वल करदे आं तां दूरवर्ती हो जांदा है। ठीक है, इतने याद रखना आपने निकटवर्ती दे विच जिवें फॉर एग्जाम्पल ये इस हो गया, इन्ना हो गया। ठीक है, इन्ना, ये इस, इन्ना, यह की ने, यह निकटवर्ती निश्चयवाचक पड़नाव ने। ठीक है, इस तरह दूरवर्ती निश्चयवाचक पड़नाव किहड़े हो गए? जिवें दूर दीआं चीज़ां वल इशारा करके जदों आपां कहिंदे आ दूरवर्ती। ठीक है, उस दे विच की कहांगे आपां? ओह मेरा घर है। ठीक है, अगर आप कहांगे यह मेरा घर है तां वह नज़दीक की चीज़ होगी, बिल्कुल नेड़े की चीज़ होगी। अगर आप कहांगे ओह मेरा घर है तां उस केस दे विच वह दूर की चीज़ हो जाऊगी। ठीक है, इस तरह इस नूं आपां की लिख सकते हैं? उस, इन्हां नूं की लिख सकते हैं? उन्हां लिख सकते हैं, उन्हां। ठीक है, यह ने अपने कोल दूरवर्ती निश्चयवाचक पड़नाव। ठीक है, दोनों याद रखो, दोनों इंपोर्टेंट ने। नैक्सट देखो बी नंबर क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस मॉक टैसट नंबर 2 का, फ्री मॉक टैसट सीरीज़ का। जदों किसी गुण या औगुण विच दो विशेषां दी एक दूजे नाल तुलना की जाए तो एक दूजे जा एक दूजे नूं तुलना की जाए अते एक नूं दूजे तो वध दस्या जाए। ठीक है, एक नूं दूजे तो वध दस्या जाए तो उसनूं की कहिंदे हन? यानी इस दे विच कहा गया आपां नूं जदों किसी गुण या औगुण विच दो विशेषां दी एक दूजे नाल तुलना की जाए अते एक नूं दूजे तुलना नालों तुलना की जाए, मतलब एक नूं दूजे तो वध दस्या जाए। ठीक है, उसनूं की बोलदे हां आपां? सधारण अवस्था बोलदे हां, अधिकतर या फिर अधिकतम या फिर कोई नहीं, इसनूं की बोलदे हां आपां? अधिकतर। ठीक है, इस अवस्था नूं की बोलदे हां? अधिकतर बोलदे हां। बेसिकली तीन अवस्थावां हुंदियां ने, सधारण अवस्था, ठीक है, सधारण अवस्था हुंदी एक तां, ठीक है, इत्थे तुसीं देख ही सकदे हो सारियां
जो लिखिया गई ने, यह आंसर की बन जूगा अपना अधिकतर बन जूगा, जिमें सधारण अवस्था होगी एक तो एक होगी अधिकतर, ठीक है। जिमें सधारण की लिखा जाएगा राम होशियार है, राम होशियार है, ठीक है, ये हो गया सधारण अवस्था। उस तो बाद अधिकतर की लिखा आप राम शाम नालों होशियार है, शाम नालों होशियार है, ठीक है। यह की होगी अधिकतर, यानी तुलना की जा रही है शाम के नाल। इस तरह अधिकतम, अधिकतम के एक दी सारे नाल पूरी क्लास के नाल जी है तुलना की जाती है, जिमें राम सारी क्लास में होशियार है, राम पूरे स्कूल के होशियार है, ठीक है। जिमें लिखा जाएगा अपना राम, राम सारी क्लास चो होशियार है, सारी क्लास विचों होशियार है, ठीक है, होशियार है। यह पूरी क्लास की गल होगी, ठीक है, ये याद रखना अपने, यह की होगी अधिकतम अवस्था होगी, ठीक है। यह तीनों अवस्था जिहड़ियां ने वो काफ़ी रिपीट होंदियां ने, याद रखनियां ने, ठीक है। सो यह सी अपना मॉक टेस्ट नंबर 2, जिस दे विच आपां ने 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए ने। कमेंट बॉक्स के विच लिखो किन्ने क्वेश्चन सही अटैम्प्ट होए ने, ठीक है। इस तो इलावा साढ़े द्वारा PSSB एग्जाम वीडियो के लिए, कलर्क के लिए, फॉरैसट गार्ड के लिए, एक्साइज के लिए, ठीक है, सुपरवाइजर पोस्ट के लिए, सारिया पोस्टों के लिए जो PSSB के द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, सारिया पोस्टों के लिए साढ़े द्वारा एक स्पैशल जो गैस पेपर है वह लॉन्च किया गया है, ठीक है। क्योंकि तुम्हें पेपर का पता लग गया कि जोड़े पेपर ने वो स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। 18 सितंबर वीडियो का पेपर हो रहा है, हो सकता है 24 तरीक न अपना कलर्क का पेपर हो जाए, इस करके अपने को टाइम बहुत घट बचा। हूँ आप जोड़ा तैयारी है आप स्टार्टिंग तो नहीं कर सकते, ठीक है। आप हूँ वो चीज़ों कवर करना जिन्हों की पॉसीबिलिटी बहुत ज़्यादा एग्जाम के आने की, ठीक है। इस दे विच बेसिकली आपने 4750 टोटल क्वेश्चंस आपने इंक्लूड किए ने इस गैस पेपर दे विच। तुसी देख सकते हो स्क्रीनशॉट, तुसी लै सकते हो, जिवें इंडिया जीके दे 1500 क्वेश्चंस हो गए, कंप्यूटर दे मोस्ट इंपोर्टेंट 500 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। जिस तरह के लैवल तुसी इस मॉक टेस्ट दे विच देखे ने, बिल्कुल इसे तरह के क्वेश्चन तुहानू इस गैस पेपर दे विच मिलणगे, ठीक है। पंजाब जीके दे 500 होणगे क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होणगे, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होणगे। काफ़ी स्टूडेंट पुछते हैं कि सर इस दे विच प्रीवियस भी इनकलूड किए ने कि नहीं इनकलूड किए, इस दे विच प्रीवियस भी तुहानू इनकलूडेड मिलणगे, प्रीवियस क्वेश्चंस भी आपने इनकलूड किए ने इस गैस पेपर के, ठीक है। उस तो बाद करंट अफेयर्स के 4 से 5 महीनों के जोड़े करंट अफेयर्स ने लास्ट के वो तुम्हें कवर मिलेंगे। इस करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन इस तो बाहर नहीं आऊगा। रीजनिंग के आपने टोटल 250, क्वानटिटेटिव एप्टीट्यूड के 250, इन दोनों मिला दिए तो 500 क्वेश्चन होंगे, तो 500 से 500 क्वेश्चन का तुम्हें वीडियो सोल्यूशन भी दिता जाऊगा, सब तो इंपोर्टेंट गल, ठीक है। उस तो बाद पंजाबी व्याकरण के सब तो इंपोर्टेंट 300+ क्वेश्चन, इंग्लिश ग्रामर के 250 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 500, जोड़े पंजाबी व्याकरण के जो क्वेश्चन ने एक भी क्वेश्चन थोड़ा इस तो बाहर नहीं आऊगा, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है जिहड़ा आपने कवर किया है, 4750 क्वेश्चन होंगे नैट, इस तो ज़्यादा हो सकते हैं, घट नहीं हो सकते, यह गल याद रखनी है, ठीक है। इस गैस पेपर के ये सारा कंटेंट है जिहड़ा अवेलेबल करवाया जाएगा साड़ी तरफ तो, ठीक है। एक गल याद रखनी है, यह जो गैस पेपर है साड़ी तरफ तो PDF फॉरमेट के सेंड किया जाऊगा, सब तो इंपोर्टेंट गल, ठीक है, ये याद रखना है आपने, ठीक है। और यह जो गैस पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज के मिलेगा, पंजाबी हिंदी के नहीं मिलेगा, यह भी गल याद रखनी है तुमने, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के मिलेगा, क्योंकि पंजाबी हिंदी के कन्वर्ट करने इन घट्टो घट 15 दिन लग जाएंगे, ठीक है। इन्ने क्वेश्चन 15 दिनों के कन्वर्ट किया जा सकता, इस तो पहले नहीं किया जा सकता, ठीक है। इस करके जो स्टूडेंट पंजाबी के लिए भी जोड़े ने प्रिपेयर करते हैं, तैयारी करते हैं, इन्होंने बेसिकली एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होने, तो उन्हें कुछ नहीं याद करने बस, ठीक है। जोड़े पंजाबी हिंदी तो तैयारी करते हैं उन्होंने लिए भी बेनीफिशियल रहेगा यह कोर्स, बिल्कुल अपने बेसिक लैंग्एज यूज़ की है इस गैस पेपर के, ठीक है। एक गल याद रखनी है, पंजाबी हिंदी के नहीं होगा, PDF के मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के मिलेगा, ठीक है। कल के दिन इस लॉन्च किया गया सी, बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पोंस रहा, ठीक है। इस दे विच आपने 100 बच्चों के लिए यह जो गैस पेपर है यह अपने 500 रुपए के अवेलेबल करवाया सी, 112 स्टूडेंट ने जोड़े ये कल जोड़े ने कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। 112 स्टूडेंट्स के द्वारा सेम रजिस्ट्रेशन करवाई गई सी 500 रुपए चार्जस के, एक गल याद रखनी है तुमने, ठीक है। हुण जिहड़ा यह गैस पेपर है यह तुहानू जिहड़ा है अवेलेबल करवाया जाएगा, यह जो गैस पेपर है यह तुहानू सेम प्राइस दे ही उपर अवेलेबल करवाया जाएगा। इन्ना अच्छा रिस्पोंस देखने बाद साढ़े द्वारा डिसाइड किया गया है कि तुहानू जिहड़ा यह गैस पेपर है 500 होर बच्चों नू, यानी 500 जिहड़े स्टूडेंट्स ने होर, ठीक है, 500 बच्चे जिहड़े होर ने उन्हानू सेम प्राइस दे उपर अवेलेबल करवाया जाऊगा यह गैस पेपर, ठीक है। इस दे वैसे चार्जस 1000 रुपए ने, बट सेम डिस्काउंट के उपर 500 रुपए डिस्काउंट के उपर तुहानू यह जिहड़ा गैस पेपर है यह प्रोवाइड किया जाऊगा, यह गल तुहानू याद रखनी है, ठीक है।
और 100 स्टूडेंट्स ने जेडे ये कल पूरे हो गए से क्योंकि 112 स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करवाई सी कल 112 स्टूडेंट्स ने। बट जदों इन्ना ज़्यादा अच्छा रिस्पोंस मिले बच्चों का, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स नूं ट्रस्ट है कि साडे एग्जाम दे विच क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस करके ही बच्चों के द्वारा इन्ना ज़्यादा ग्रेट रिस्पोंस है जिहड़ा इस गैस पेपर के उपर दिखाया है अपना, ठीक है। इस करके ही साडे द्वारा यह डिसाइड किया गया है कि 500 होर बच्चे जिहड़े होर आएंगे, ठीक है, उन्होंने सेम प्राइस के उपर 500 रुपए के विच गैस पेपर अवेलेबल करवाया जाएगा, ठीक है। हुण गल करते हैं आप पेमेंट किवें करोगे, तुसीं गूगल पे कर सकते हो, फोनपे कर सकते हो, पेटीएम कर सकते हो। इस नंबर के उपर 7009868826 इस नंबर के उपर पेमेंट करने तो बाद सेम नंबर के उपर वट्सएप चलता है, इस दे उपर तुहाने वट्सएप के उपर अपना जिहड़ा स्क्रीनशॉट है वह लैके सेंड कर देना है, ठीक है। उस तो बाद जिहड़ा गैस पेपर है अज तो यानी 2 सितंबर तो शाम 4 बजे तो साड़ी तरफ तो सेंड होना स्टार्ट हो जाएगा, तुसी इस तो तैयार कर सकते हो। तुहाडे कोल 15 दिन हैगे ने, वधिया तरीके नाल तैयारी करो। सब तो वड्डी गल कि इस दे विच 100-100 बच्चों के साडे द्वारा 100-100 बच्चों के टैलीग्राम ग्रुप भी बनाए जा रहे हैं अलग तो प्राइवेट, ठीक है। 100-100 बच्चों के प्राइवेट टैलीग्राम ग्रुप बनाए जा रहे हैं, ठीक है, जिन्हां दे विच तुहानू ऐड किया जाऊगा। अगर उसके बाद भी कोई कंटेंट ऐड करना है तो तुहानू जिहड़ा टैलीग्राम प्राइवेट चैनल होएगा उसके उपर तुहानू अपडेट कर दिता जाएगा। यह भी गल तो नहीं याद रखनी है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होगा, ठीक है। लास्ट टाइम के उपर अगर आप पूरा सिलेबस करने की गल करिए वो पॉसीबल नहीं है, ठीक है। तुसी इस तो तैयारी करो, डेफिनेटली तुहाडी सिलेक्शन होएगी, ठीक है। बार बार रिवाइज़ करो क्योंकि आपां अक्सर एग्जाम के क्वेश्चन ने जिहड़े वह याद नहीं रहिंदे, जदों आपां 3 तो 4 बार रिवाइज़ करते हैं किसी भी चीज़ को उस तो बाद ही आपां एग्जाम के अपने दिमाग के क्लिक होंदा है, तां ही आपां जिहड़े सही क्वेश्चन के जिहड़े मार्क ने वो कर सकते हैं। इसलिए गल याद रखनी है, ठीक है। 500 होर बच्चे ने जिहड़े नवे आएंगे उन्होंने सेम प्राइस के उपर 500 रुपए के ही अवेलेबल करवाया जाएगा, यह गल याद रखनी है। कल 112 स्टूडेंट्स ने यह जिहड़ा लॉन्च करने तो बाद रजिस्ट्रेशन करवाई सी तां करवाई सी कि कल दे दिन मिलेगा यह, बट यह गल याद रखनी है, हो सकता है अज के दिन ही 200-250 स्टूडेंट्स ने जिहड़े यह इसनों परचेज कर लैन, यह गल याद रखनी है। 500 जिहड़े स्टूडेंट्स होणगे उन्होंने ही जिहड़ा है 500 रुपए के अवेलेबल करवाया जाएगा, यह गल तो उन्हें बिल्कुल याद रखनी है हुण, ठीक है। हो सकता है अज के दिन ही 200 तो वध स्टूडेंट्स ने जिहड़े परचेज कर लैन, इसलिए जिहड़े स्टूडेंट परचेज करना चाहते हैं वधिया तरीके नाल तैयारी करना चाहते हैं और 2022 दे विच अपना पेपर जिहड़ा वह क्रैक करना चाहते हैं वह स्टूडेंट इस तो तैयारी करके जरूर जाण, डेफिनेटली तुहाडे एग्जाम दे विच क्वेश्चन पूछे जाणगे क्योंकि प्रीवियस एग्जाम नूं ध्यान दे विच रख के आपां इस कंटेंट नूं तैयार किया है, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चन तुसीं अपने एग्जाम दे विच डायरेक्ट देखोगे। अगर कोई डाउट है तो तुसी इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हो, 7009868826 इस नंबर के उपर कॉल ना करो। कल दे कल कह सकते आप 80 तो 85 कॉल्स जिहड़ियां वह कल दे दिन आईया ने, ठीक है। तुसी वट्सएप के उपर मैसेज छड़ दिया करो, 1 घंटे के साडी तरफ तो तुहानू रिप्लाई कर दिता जाएगा क्योंकि डेली मैसेज बहुत ज़्यादा आते हैं तो डेली कॉल्स भी बहुत ज़्यादा आदि ने, इस करके प्रैफर कराया करो कि कॉल ना कराया करो, वट्सएप पर मैसेज कर दिया करो, ठीक है। वट्सएप पर मैसेज 1 घंटे के बाद तुहानू जिहड़ा है रिप्लाई मिल जाता है साडी तरफ तो, यह गल याद रखनी है तुहानू, ठीक है। इन्हें कॉल्स जिहड़ियां आदि ने उन्होंने रिसीव करना पॉसीबल नहीं हो पाता, इस करके तुहानू यह गल याद रखनी है, वट्सएप पर मैसेज छड़ दिया करो, ठीक है। सारी कंप्लीट डिटेल तुहानू डिस्कस कर दी गई है, 500 जिहड़े स्टूडेंट्स ने उन्होंने ही मिलेगा यह डिस्काउंट, यह गल याद रखनी है। जो स्टूडेंट वधिया तरीके तैयारी करना चाहते हैं 2022 के सिलेक्शन इंश्योर करना चाहते हैं वह इस गैस पेपर तो अपनी तैयारी करके जरूर जाने। अगर स्टूडेंट गूगल पे फोनपे पेटीएम वगैरह यूज़ नहीं करता तो वह स्टूडेंट इस नंबर के इस अकाउंट नंबर के भी अपनी जी एंट्री है वो कर सकता, उस तो बाद अपनी जी रिसिप्ट वगैरह वो सेंड कर सकता, उस तो बाद फिर भी तुम्हें जोड़ा है यह गैस पेपर सेंड कर दिता जाएगा, ठीक है। एक होर गल इतने अपने गल की है वीडियोज़ की, वीडियो सोल्यूशन काफ़ी पुछते हैं किमें मिलने, तो PDF मिलेगी उस प्राइवेट लिंक तो शेयर किए जाएंगे नाल, जो तुम उन्होंने ब्ल्यू लिंक्स के उपर क्लिक करोगे ब्ल्यू कलर के होंगे वो लिंक्स, ठीक है, जो उन्होंने उपर क्लिक करोगे तुम डायरैक्ट उस वीडियो देख सकते हो उन्होंने वीडियोज़ में, ठीक है। यह जो गैस पेपर है यह तुम साप तो भी परचेज कर सकते हो जिसका नाम है पंजाब IQ जी एप्लीकेशन है इस दे उपर भी तुसी इसनों परचेज कर सकते हो, इसनों कल जिहड़ा है लॉन्च कर दिता गया सी पंजाब IQ एप्लीकेशन के उपर, उतों भी तुसी इस गैस पेपर नूं परचेज कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई डाउट होवे तां तुसी इस नंबर के उपर वट्सएप के उपर मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। कॉल्स ना करया करो, वट्सएप पर मैसेज कर दया करो, ठीक है जी। सो इसी कंप्लीट डिटेल तो अपना मॉक टेस्ट नंबर 2
जिस दे विच आपां ने 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए ने। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ मॉक टेस्ट सीरीज रहेगी, जो तक तुहाडे एग्जाम नहीं होंगे सारे उदों तक यह सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, आपां कोशिश करांगे भी एक दिन का भी ब्रेक ना आवे इस सीरीज़ के। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन तुसीं इस सीरीज़ के भी देखोगे। ठीक है, अगर तुसीं इस सीरीज़ की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो तुसीं साडा जिहड़ा टैलीग्राम चैनल है जिसका नाम है पंजाब IQ, इसनों जिहड़ा है ज्वाइन कर सकते हो। कल की जिहड़ी PDF है यह अपलोड कर दी गई है, जिहड़ी अज की PDF है यह भी थोड़े टाइम तक 2 घंटे तक जिहड़ी अपलोड कर दी जाएगी। यह गल याद रखनी है तुहाने। ठीक है, इस वीडियो में ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर कर दिया करो, क्योंकि जिहड़े बच्चे PTET+B एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं काफ़ी बार उन्होंने पता ही नहीं लगता कि फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ चल रही है पंजाब IQ चैनल के उपर। इस करके ज़्यादा तो ज़्यादा बच्चों इस वीडियो में शेयर कर दिया करो ताकि ज़्यादा तो ज़्यादा बच्चे इस सीरीज़ का फायदा लै सकन। ठीक है, PDF लिए टैलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। ठीक है, उत्थे तो डेली टू डेली PDF ने जो अवेलेबल करवाई जाएंगी। इस वीडियो के बस इन्ना ही, मिलते हैं नैक्सट वीडियो के। वीडियो में लाइक कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, अगर चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल में सब्सक्राइब करके बैल आइकन भी जरूर प्रेस कर लियो। ठीक है, अगर कोई गैस पेपर के रिलेटेड कोई डाउट हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप के उपर मैसेज करके पूछ सकते हो, 7009868826। इस नंबर के उपर व्हाट्सएप के उपर मैसेज करके पूछ सकते हो। अगर तुम बिल्कुल बेसिक तो तैयारी करना चाहते हो तो साडा जिहड़ा कोर्स है पंजाब फतेह बैच, ठीक है, एक साडी एप्लीकेशन पंजाब फतेह बैच के उपर फतेह बैच है जो यह स्टार्ट किया गया पंजाब IQ एप्लीकेशन के उपर। अगर बिल्कुल बेसिक तो तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, तो तुम इस बैच में ज्वाइन कर सकते हो पंजाब फतेह बैच। यह भी साडी एप्लीकेशन मिलेगा पंजाब IQ एप्लीकेशन के उपर। ठीक है, यह सी कंप्लीट डिटेल इस गैस पेपर के बारे तो मॉक टेस्ट नंबर 2 के बारे। ठीक है, इस वीडियो के बस इन्ना ही, मिलते हैं नैक्सट वीडियो के। साडी एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कर लो जिसका नाम है पंजाब IQ प्ले स्टोर तो। ठीक है, मिलते हैं नैक्सट वीडियो के। सो थैंक यू सो मच। अगर किसी क्वेश्चन के रिलेटेड कोई डाउट है तो तुम कमेंट बॉक्स के कमेंट छड़ सकते हो या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, इस वीडियो के बस इन्ना ही, मिलते हैं नैक्सट वीडियो के। सो थैंक यू सो मच।